संयुक्त मारी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर चल समारोह समाजजनों के द्वारा उत्साह के साथ धूमधाम से निकाला गया। इस दौरान कई स्थानों पर नगर वासियों के द्वारा चल समारोह का मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माली समाजजन उपस्थित हुए। वहीं मंच पर समाज के वरिष्ठ जनों ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने व समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को आगे बढ़ाने की बात कही। बेटों के साथ बेटियों की शिक्षा पर भी जोर देने की बात कही। इस पर मंथन कर सभी समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान विधायक महेंद्र हाड़िया, जगदीश प्रसाद माली भोपाल, राजेश चौहान, हरिनारायण माली, राजेश माली, पवन माली, ताराचंद माली सहित सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, जो कि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांति सूर्य कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने सूर्य के समान तेज से, वो तेज था दलितों पिछड़ों के को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि आप संगठित हो और संघर्ष करो और शिक्षित हो। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। जब आप शिक्षित होंगे तो आप कैसा भी संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। तो ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती है और उसमें हम पूरे देशवासी और समाज के लोग और पूरा OBC पिछड़ा वर्ग ये मांग करता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुत रत्न दिए, अम्बेडकर जी, गांधी जी, इन सबको भारत रत्न मिला है। तो हमारी सबकी ये मांग है कि उनको और माता सावित्रीबाई फुले, जो कि देश की प्रथम शिक्षिका हैं और जिन्होंने शिक्षा के लिए जो कार्य किए, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर बात कहें तो महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार ही महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने खोले। और हम जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे अपने हक की बात कहने की हिम्मत देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले को हम लोग मांग करते हैं कि सरकार और प्रशासन, राष्ट्रपति जी और अपने ये सब जो हैं जिलाधिकारी से लेकर आप सभी भी जो भी ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनकी ये मांग है कि भारत रत्न ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को मिले।